दुब गए अब छत को दूरो दपा गिर जाएगा दुको दुग गया यहाँ पर चप्पन चुप्पी खेलने के बाद रात का समय हो गया तो रात के समय में बीन्स टमाटर की सब्जी बनाएंगे। ये कोई फली बोलता है कौन सी की फली बोलता है। और यहाँ पर मैंने सारी तैयारी कर ली थी, कढ़ाई में तेल डाला, प्याज जीरा हींग और मिर्च खड़ी इनको भून लेंगे, फिर उसमें टमाटर डाल देंगे, टमाटर पक जाए तो हल्दी धनिया मिर्च डाल देंगे और अच्छी तरह से पका लेंगे और फिर उसमें बीन्स डाल देंगे, फिर मिला लेंगे, फिर नमक डाल देना है और उसको फिर डालकर पका लेना है। और ये टमाटर बीन्स की सब्ज़ी खाने में बड़ी टेस्टी लगती है, बड़ी टेस्टी बनी थी। फिर यहाँ पर बीन्स पक गई, उसमें गरम मसाला डाल दिया है और ये मेरी बीन्स की रात के समय मैंने सब्ज़ी बनाई थी, भिंडी की सब्ज़ी बनाई हुई थी। और यहाँ पर फिर रोटी सेकी थी, यही खाना था रात का। और रात के ही मैंने मलाई बना कर रख दी थी, मलाई जोड़ गई थी, डिब्बा भर गया था, तो बस मैं क्या करती हूँ कि गैस पर रख देती हूँ तो मेल्ट हो जाता है, उसमें नींबू निचोड़ देती हूँ तो पनीर बन जाता, फिर उसको वो छान लेती हूँ तो पनीर जमा देती हूँ। और इस तरह से मैंने फिर फ्रिज में रख देती हूँ तो ऊपर घी ऑटोमेटिक सेट हो जाता है। तो ये मैंने पनीर बोल दिया, मलाई का बना कर रख दी थी, तो ये सुबह का वीडियो है मॉर्निंग का। यहाँ पर मेरा घी भी सेट हो गया है तो घी निकाल कर कढ़ाई में निकाल लिया है, उसी से मेरा पनीर भी बन गया है, तो इनको पनीर भी बन गया है। फिर इस डिब्बे वाले जुड़ गया था, इतना घी निकल आता है तो घी बनाने के लिए हुआ। बस अब कढ़ाई में डाल देंगे, उसको पका लेंगे घी को। ये मेरा पनीर जम गया, उसको मैं पीसेस में काट लेंगे। ये मठा बन गया, छाछ बन गया है। आप छाछ भी, आप कढ़ी बना सकते, रायता भी बना सकते। देखो कितना पनीर सॉफ्ट बना है, आपको बता रहे कितने बड़े बड़े पीस बने हैं। यहाँ पर मेरी पनीर भी बन गया और अब इसकी सब्ज़ी बनाएंगे। और बस ये मेरा घी भी पक गया है तो घी बनाकर पका कर रख देंगे। और बस इन लोगों को चाय नाश्ता दे दी है और यहाँ पर मैंने कर पूजा हो गई है। बस अब मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने प्याज को काट लिया, ग्राइंडर जार में चला लेंगे और टमाटर को भी उसी में पीस लेंगे। और बस फिर पनीर की सिंपल सब्ज़ी बनाना बता रहे हैं। कढ़ाई उसी घी वाली कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच छोटी तेल डाल दिया है और 2 खड़ी लाल मिर्च, लौंग और काली मिर्च, तेज पत्ता, अदरक मिर्च और खड़ी लाल मिर्च और प्याज का पेस्ट डालकर उसको भून लेंगे। एक दही लिया है थोड़ा सा, उसमें हल्दी धनिया मिर्च थोड़ा सा मैगी मसाला डालकर बना लेंगे। फिर टमाटर की जो प्यूरी बनाई थी, प्याज भून गई है तो उसमें टमाटर की प्यूरी डाल दी है, उसको भून लेंगे।
फिर थोड़ा बन जाएगा तो दही वाला डाल देंगे, उसको भी अच्छी तरह से भून लेंगे जब तक वो तेल ना छोड़ दे। ये मेरे पनीर के पीसेस भी काट के रख दिए थे आपके सामने ही। फिर ये में हमने स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और अच्छे से उसको और भून लेंगे। बस ये पनीर डाल देंगे, पनीर के पीसेस हमें ला लेंगे और देखो बर्बाद भी नहीं होता है, एक चीज़ से इतना बन जाता है। फिर उसको अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया, स्वाद अनुसार नमक डाल दिया। इसमें मैं टमाटर केचप डालना भूल गई थी, थोड़ा मैंने टमाटर केचप और मैंने केवल मैगी मसाला डाला है। आपको गरम मसाला भी डाल सकते हो। यहाँ पर मेरा पना बनाना है तो दो आम को बॉईल कर रख लिया है। इसको किए हुए आम का पना बनाएंगे। फिर यहाँ पर मेरे पनीर की ये सब्जी बन गई है, मुझे सूखी बनानी है, ऐसी बनानी है तो मैंने इसी तरह बनाई। आप ग्रेवी चाहते तो पानी डाल सकते हो। बस गार्निश के लिए ऊपर से मैंने कद्दूकस कर पनीर डाल दिया है। धनिया नहीं है हमारे पास, इसलिए मैंने धनिया नहीं डाली है। ये पनीर की सब्जी बनकर तैयार है। अब आम का पना बनाना है। बॉयल आम को पानी में अच्छे से कर लेंगे। ये मेरे घर का ही पुदीना है, चाहे इस गमले में लग रहा है तो मैं तोड़कर आपको भी ले चलती हूँ। आपको बता दिया है मैंने पुदीना तोड़ कर लाई, धोकर उसको काट ग्राइंडर जार में मिर्च अदरक और पुदीना धनिया पीसकर, धनिया तो थी नहीं, पुदीने केवल पीसकर मैंने डाल दिया है। और मिर्च मसाले का सफ़ेद नमक और लाल मिर्च जीरा पाउडर और चाट मसाला डाल दिया। ये पना बन गया है। यहाँ पर मैं रोटी सेकने लगी हूँ और यहाँ पर मेरे अभी जस्ट काम से फ्री हुई हूँ और काम करने के बाद ये जनाब टीवी में बैठ गए हैं। इनकी कार्टून दिन भर कार्टून मोबाइल टीवी के देखना है, पढ़ने के लिए बैठा रहा तो पढ़ना नहीं है। और चलो अब हम वीडियो का एंड करेंगे और आज यहीं तक का था वीडियो। आप लोग पसंद करो, लाइक करो तो मुझे समझ में आ जाया करेगा। और अभी यदि आप चैनल पर नए हो तो फिर हम लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा, लाइक कर देना। चलो वीडियो का एंड करते हैं। अभी मैं थोड़ी काम से फ्री हुई थी और चलो मैं ये वीडियो को एंड कर देती हूँ। ज़्यादा बड़े वीडियो बनाने का भी कोई फायदा नहीं है, आप लोगों को पसंद नहीं आता तो ज़्यादा बड़े वीडियो पर क्यों बनाऊँ। चलो तो फिर मन नहीं लगता है और बनाने में क्योंकि आप लोगों को पसंद ही नहीं आते हैं। चलो वीडियो को एंड करते हैं, बाय।